राम राम। आज मैं आप सभी के लिए जो पोयम लेकर आई हूँ, उसमें मैं जो पुरुषों की सोच रहती है कि एक महिला परिधान सही नहीं पहनती है, अगर वह घूंघट नहीं रखती है तो उसके साथ में बलात्कार होता है, अगर वो अपनी संस्कृति के अनुसरण नहीं करती है तो उसके साथ में कुछ गलत कार्य होता है, इसी पे कुछ मैंने व्यंग्यात्मक कविता बनाने की कोशिश की है। आप इसे अंत तक सुनिएगा, मैं शुरू करती हूँ। कुछ पुरुष लेते हैं परंपरा की आड़, कुछ पुरुष लेते हैं परंपरा की आड़, करते महिलाओं से घूंघट की आस, करते महिलाओं से घूंघट की आस, रीति रिवाज तो केवल एक बहाना, रीति रिवाज तो केवल एक बहाना, उन्हें होता नहीं अपनी नजरों पे विश्वास, उन्हें होता नहीं अपनी नजरों पे विश्वास। जब तक रहेगी पुरुष की संकीर्ण सोच, रहेगी जब तक पुरुष की संकीर्ण सोच, तब तक लड़की की रूह पर होगी खरोच, तब तक लड़की की रूह पर होगी खरोच। परिधान तो केवल एक बहाना, परिधान तो केवल एक बहाना, काम के भूखों को लड़की चाहिए हर रोज, लड़की चाहिए हर रोज। बलात्कार शरीर को घात करता एक बार, किसी के घर में भी कुछ भी कार्य हो जाने पर दुनिया इस तरह से सहयोगी बन के आ जाती है, लेकिन आती सहयोगी बनने हैं लेकिन इतने ताने सुना देती है, उसी पे कुछ मेरी पंक्तियां। बलात्कार शरीर को घात करता एक बार, पर कसे ताने मन घायल करे बार बार, पर कसे ताने मन घायल करे बार बार, दुख में सहायक बनना केवल एक बहाना, दुख में सहायक बनना केवल एक बहाना, अपने प्रश्नों से वे इज्जत करते तार तार, इज्जत करते तार तार। सब जानते हैं काम एक हाथ से नहीं होता, सब जानते हैं काम एक हाथ से नहीं होता, फिर जग की नजरों में दोषी लड़का क्यों नहीं होता, फिर जग की नजरों में दोषी लड़का क्यों नहीं होता। अनजान बनना तो केवल एक बहाना, अनजान बनना तो केवल एक बहाना, खुली आंखों में सारा जग है सोता, सारा जग है सोता। हम जो ऐसा सोचते हैं कि पिता है वो बेटी की रक्षा करेगा, भाई है वो अपनी बहन की रक्षा करेगा, और शादी होने के बाद में पति अपनी पत्नी की रक्षा करेगा, हमें इस अवधारणा को बदलना है। न पिता, न पति और न भाई, एक नारी को अपनी रक्षा खुद करना सीखना पड़ेगा। इसलिए हम अगर आदर्श पिता, भाई और पति बनना चाहते हैं तो हमें एक नारी को सबसे पहले आत्मरक्षा के गुर सिखाने हैं। इसी पे मेरी कुछ पंक्तियां। पिता चाहे देना दहेज, पिता चाहे देना दहेज या भाई राखी का उपहार, पिता चाहे देना दहेज या भाई राखी का उपहार, तो अपनी बहन बेटी को करना आत्मरक्षा हेतु तैयार, तो अपनी बहन बेटी को करना आत्मरक्षा हेतु तैयार। दुनिया की रस्में तो केवल एक बहाना, ये रस्में निभाना तो केवल एक बहाना, एक सशक्त नारी से सशक्त हो पूरा परिवार, एक सशक्त नारी से सशक्त हो पूरा परिवार, और हमें ऐसा सशक्त परिवार का निर्माण करना है।